यमुनानगर में हमीदा हेड के पास उस समय हादसा हुआ जब कैंप निवासी सत्येंद्र सिंह अपने मामा की अस्थियों को पश्चिमी यमुना नहर में प्रवाहित करने के लिए आया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके तहत वह पानी में डूब गया। इसके बाद सत्येंद्र की खोज के लिए 6 लोग एक किश्ती में सवार होकर निकले। यह किश्ती तेज बहाव में पानी में पलट गई, जिसमें 4 लोग तो किसी तरह बच गए, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाले सुरेंद्र पानी में तेज बहाव व लहरों में फंस गए। वहीं सत्येंद्र का दोस्त विकी भी इस हादसे का शिकार हो गया। विकी का शव जहां कल बरामद हो गया था, वहीं सुरेंद्र व सत्येंद्र के शव इंद्री के पास पश्चिमी यमुना नहर से बरामद हुए हैं। संडे के दिन एक अपना व्यक्ति है, लड़का सुरेंद्र नाम था उसका, वो अपने मामा जी की अस्थियां प्रवाहन वहाँ करने आया था। तो उस वक्त उसका सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वो यमुना में नदी में बह गया। तो उसको उसकी बॉडी को डूबने के उसका बचाव कर रहे हैं जो अपने और जो डूब लड़के लगे हुए थे, उनमें से 2 लड़के और उसको बचाते हुए वो डूब गए। तो उसकी जो बॉडी है सभी तीन, इसमें कुल 3 लोग डूब गए थे और तीनों की बॉडी अब मिल चुकी है। तो बॉडी हमने देख उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। तो हमारा तो मेरा तो यही कहना है, ये कोई अपना जो या जो अस्थियाँ प्रमाण करते हैं तो जो सीढ़ियाँ वगैरह होता है बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियाँ आजकल स्लिपरी होती हैं, तो अपना ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करने चाहिए। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट।